उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में लोक निर्माण आमंत्रित की जाने वाली निवेदन, ठेकेदारों पर 5 वर्ष के रखरखाव की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किए जाने वाले निर्णय के खिलाफ ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शासन द्वारा जो अनावश्यक कानून लागू करके जबरदस्ती ठेकेदारों पर थोपे जा रही है, जैसे कि 5 वर्षीय अनुरक्षण, प्रधानमंत्री की तर्ज पर 5 वर्ष अनुरक्षण नीति जो कि शासन द्वारा बनाई हुई और उस पर जो पैसा प्रधानमंत्री निधि में मिलता है उसकी अपेक्षा 20% पैसा विभाग को दिया जा रहा है, जिस पर ठेकेदार काम करने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व में 2 वर्षीय अनुरक्षण था, उसी के तहत आगे भी यही व्यवस्था बनी रही या PMDSY की तर्ज पर पहले उसका नवीनीकरण किया जाए, उसके बाद ही व्यवस्था लागू की जाए। इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुनील ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में प्रेस आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में प्रदेश संगठन आने वाले समय में जो भी निर्णय लेगा उसी की तर्ज पर हम सभी लोग शासन लखनऊ लोक निर्माण विभाग का घेराव करने का काम करेंगे। इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष अवनीश कुमार ने कहा कि ठेकेदारों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसी को लेकर आने वाले शुक्रवार को हम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे। इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिले के सलाहकार विनेश कुमार ने बताया कि मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ठेकेदारों द्वारा जो कार्य कराया जाता है उसके बाद विभाग द्वारा बिल का समय से मापन व सत्यापन और अवलोकन नहीं किया जाता, जिससे कि ठेकेदारों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि ठेकेदारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। किस संगठन से आप? इटावा कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन इटावा। अच्छा, आज जो आप लोगों की बैठक हुई है सब लोगों, क्या मुद्दे किस विषय पर बैठक हुई? शासन के द्वारा जो अनावर्धक कानून लागू करके लोक निर्माण विभाग पर जबरदस्ती ठेकेदारों में थोपे जा रहे हैं, जैसे कि 5 वर्षीय अनुरक्षण, प्रधानमंत्री की तर्ज पर 5 वर्षीय अनुरक्षण की नीति जो शासन के द्वारा बनाई गई है और उस पर जो पैसा प्रधानमंत्री में मिलता है उसके अनुरूप साक्षेप में 20% उसकी अपेक्षा विभाग को दिया जा रहा है। इन पैसों पर ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। 2 वर्षीय अनुरक्षण जो पहले था उसी तरह रहे या PMDSY के तर्ज पर पहले उन रोडों का नवीनीकरण किया जाए, उसके बाद ये व्यवस्था लागू की जाए। अच्छा, तो क्या आपके यहाँ इटावा या अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी काफी बैठक चल रही? उत्तर प्रदेश के समस्त 78 जनपदों में इस व्यवस्था के साक्षेप में बृहत आंदोलन चल रहा है और आज की मीटिंग में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश संगठन जो भी 2-4 दिन में निर्णय लेगा उसी की तर्ज पर शासन लोक निर्माण विभाग लखनऊ का घेराव हम लोग करेंगे। और आगे क्या रणनीति रहेगी? इस रणनीति के तहत पहले हम घेराव करेंगे और अगर शासन इस पर कोई अच्छा निर्णय नहीं लेता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाली निविदाओं में ही नहीं, जो भी विकास कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सभी को अवरुद्ध किया जाएगा। पूरे प्रदेश में कोई भी निविदा नहीं डाली जाएगी। जब तक शासन के आगे काम को रोका नहीं जाएगा तब तक ये असहाय ठेकेदारों की बात को आसानी से इस सरकार में माना नहीं जा रहा है। नाम है भाई साहब आपका? अवनीश कुमार, मैं उपाध्यक्ष हूँ इटावा वेलफेयर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग सारे ठेकेदार शुक्रवार जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देंगे अपनी समस्या। क्या समस्याएं ऐसी आ गई हैं जो आप लोगों को? सबसे बड़ी समस्या हमारी है हम सारे ठेकेदारों की MM11 को लेकर रॉयल्टी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सारे ठेकेदार इस समय समस्या का सामना कर रहे हैं।